दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में हमने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों के लिए हमेशा से एक चुनौती बनी हुई है। ऐसी एक चुनौती है मंगल ग्रह पर इंसानों का आज तक ना पहुंच पाना। इसके पीछे कई वजह है जिनके बारे में अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी जिक्र कर चुकी है। दोस्तों, आज हम आपको फिर से गजब की जानकारी देंगे, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह का वीडियो ऑलवेज आती रहती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नासा ने पिछले साल मंगल ग्रह पर इंसान के पहुंचने के रास्ते में आने वाले सूची बनाए थे। नासा के मुताबिक ये मुश्किलें हैं: मंगल ग्रह पर विकिरण, धरती से मंगल ग्रह की अधिक दूरी, गुरुत्वाकर्षण और वहाँ का बंद वातावरण। दोस्तों, मंगल पर जाने की सबसे पहली चुनौती विकिरण को लेकर, जिसे इंसानी आंखों से देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि मंगल का अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ऐसे में वहाँ का खतरनाक विकिरण इंसानों की आंखों में मोतियाबिंद और यहाँ तक कि कैंसर का कारण भी बन सकता है। अगर हम धरती से मंगल ग्रह की दूरी के बारे में बात करें तो धरती से मंगल ग्रह की दूरी करीब 14 करोड़ मील। चांद तक पहुँचने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को मुश्किल से 3 दिन की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन मंगल तक पहुंचने के लिए इंसान को कई महीनों तक सफर करना होगा। यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों को चाहे कितना भी प्रशिक्षण दिया गया हो, लेकिन थोड़े समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद उनके व्यवहार संबंधी परेशानी आने लगती है। इसके लिए नासा एक ऐसे टीम की तलाश कर रही है जिसमें मजाकिया लोग भी हों, जो अपना काम बखूबी करें। इसके साथ ही वो पूरी टीम को हंसाते भी रहे, क्योंकि इतने लंबे समय के मिशन में इंसान के अंदर तनाव आ सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मंगल ग्रह पर इंसानों को अलग तरह के गुरुत्वाकर्षण का भी सामना करना पड़ेगा। धरती पर जिस इंसान का वजन 100 पाउंड यानी 45 किलो होगा, मंगल ग्रह पर उसी इंसान का वजन 38 पाउंड यानी 17 किलो हो जाएगा। दोस्तों, मंगल का तापमान और दबाव भी इंसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। पृथ्वी के मुकाबले ठंड, धूल भरी आंधी और बवंडर मंगल ग्रह पर कहीं ज़्यादा है। गर्मियों में मंगल ग्रह का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन सर्दियों में यही तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इंसानों के जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन, लेकिन मंगल ग्रह पर इसकी भारी कमी है। मंगल के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 1.93% ऑर्गन, 0.14% ऑक्सीजन और 2% नाइट्रोजन है। साथ ही यहाँ के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के निशान भी पाए गए हैं। ऐसे में वहाँ पर कोई भी इंसान कुछ ही घंटों तक जिंदा रह पाएगा। हालांकि नासा का कहना है कि साल 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल मंगल ग्रह पर भी कदम रखेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।